हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड एडवाइस, योर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में आने वाली सूजन के बारे में, कि ये सूजन क्यों होती है और इससे कैसे निजात पा सकते हैं। ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। गर्भावस्था हर औरत की ज़िंदगी का वो खास दौर है जिसे आप बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। गर्भावस्था में औरतों का खास ख्याल भी रखा जाता है। इस दौरान हमारे शरीर में कई सारे बदलाव भी होते हैं, जो शारीरिक भी होते हैं और हार्मोनल भी, जिसका असर हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर होता है। इन्हीं बदलावों की वजह से ये अक्सर देखा जाता है कि गर्भवती महिलाओं के पैरों में सूजन आ जाती है। तो इस समय में इन पैरों में आने वाली सूजन को कैसे दूर करें, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पैरों में आने वाली सूजन के समाधान से पहले चलिए जानते हैं कि पैरों में सूजन आखिर आती क्यों है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, गर्भावस्था के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि आपके शरीर में पानी और खून दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। यदि एक आम इंसान के शरीर में 5 लीटर खून होता है, तो इस दौरान एक गर्भधारण की हुई महिला के शरीर में लगभग 6.5 लीटर खून होता है। उम्मीद है कि आप जानती होंगी कि ग्रेविटेशन की वजह से हर चीज़ पृथ्वी की तरफ झुकती है। उसी तरह शरीर में खून के बढ़ जाने से आपके शरीर का भार पृथ्वी की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह पैरों में आकर रुकने लगता है, और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि पैर भारी हो गए, यही इसका वैज्ञानिक तर्क भी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप अपने पैरों की सूजन से कैसे छुटकारा पा सकती हैं। सबसे पहले तो आप अपने खाने में नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। यदि आप ज़्यादा नमक वाली सब्जी, अचार, पापड़ या नमकीन खाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कम करें। नमक शरीर में पानी के प्रवाह को रोकता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आने लगती है। तो सबसे पहले आपको अपने खान पान में नमक का उपयोग थोड़ा कम करना होगा। यदि आप रोटी और सब्जी खाती हैं तो आपको इसका सेवन भी थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि रोटी और सब्जी में कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और ये भी आपके शरीर में पानी के प्रवाह को रोकता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी आकर आपके पैरों में रुक जाता है। ऐसे में यदि आप इसका प्रयोग कम कर देंगे तो आपके पैरों की सूजन में आपको आराम मिलेगा। ऐसे में आप चना, अलग अलग प्रकार की दालें और दही का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे आपके शरीर को प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। आपको अपने सोने और आराम करने के तरीके में भी बदलाव लाना होगा। जब भी आप सोते हैं तो अपने पैरों के नीचे तकिया रख लें, ताकि आपके पैरों में पानी रुके नहीं और वो आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहे। जब भी आप आराम करते हैं तो एक ही पोजिशन में लगातार ना बैठें और थोड़ी थोड़ी देर में चलते रहें, ताकि आपके पैरों में पानी रुके नहीं। साथ ही साथ यदि आप एक वर्किंग वूमेन हैं और गर्भावस्था में आप अपने ऑफिस जाती हैं, तो आप अपने पैरों को लटकाकर ना बैठें और कोई स्टूल वगैरह नीचे रख लें, ताकि आपके पैर लटके ना रहें। अगर इन उपायों को करने के बाद भी आपको अपने पैरों की सूजन से आराम नहीं मिल रहा है, तो आप एक मुट्ठी मेथी के पत्ते लें और 10 ग्राम अदरक लें, और इन दोनों को अलग अलग पीस कर इनकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लें और हर हफ्ते एक गोली खाएँ, जब तक कि सूजन में आराम ना मिले। उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरीके से अपने पैरों की सूजन से निजात पा लेंगी और अपनी गर्भावस्था को अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास कोई सुझाव या सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।